आइए दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं जियो फाई 3 की। दोस्तों, जब हमें अपने लैपटॉप या फिर किसी ज़्यादा डिवाइस में अपने हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना होता है तो हमें एक वाईफाई की ज़रूरत होती है। तो जियो की तरफ से हमें वाईफाई मिलता है, जियो फाई 3। इसका दो वर्जन और भी है, जियो फाई और जियो फाई 2। काफ़ी कॉम्पैक्ट पोर्टेबल साइज में ये आता है, इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इसका प्लान भी काफ़ी सस्ता आता है। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या सब मिला। इसमें हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप 31 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और एसडी कार्ड के द्वारा आप इसमें डाटा शेयर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या सब मिलता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो पैकिंग दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग निकाल के देखते हैं इसमें क्या सब है। यहाँ पर दो पैकेट है, तो देखना यह है कि जियो फाई किस में है और इसमें क्या सब हमें मिला है। तो चलिए हम पहले पैकेट को खोल कर देखते हैं। पहले पैकेट में हमें एक जियो फाई मिला है और इसका यूजर मैनुअल मिला है। ये ब्लैक कलर का रोटर है यहाँ पर और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और एक इस तरफ हम देखते हैं तो हमें एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है और इस साइड हमें एक ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है और WPS का एक बटन दिया गया है। तो चलिए यूजर मैनुअल को साइड में रखते हैं और दूसरे पैकेट को खोल कर देखते हैं कि इसमें हमें क्या सब मिला है। इस पैकेट के अंदर एक चार्जर है और एक डाटा केबल है। उसके बाद यहाँ पर एक और पैकेट है, इसमें देखेंगे हम बाद में। यहाँ पर हमें 1 एम्पियर का चार्जर मिलता है और चार्जर की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर एक डाटा केबल है जो कि साइज में तो छोटा लग रहा है। यहाँ पर एक USB डाटा केबल ही दिया गया है। तीसरे पैकेट को हम लोग खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक बैटरी दी गई है, काफ़ी पतली सी बैटरी है। देखते हैं इसका कितना mAh का बैटरी दिया गया है इसमें। ये बैटरी 2600 mAh की बैटरी है। यहाँ पे लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, ये चाइनीज बैटरी है। चलिए 2600 mAh की बैटरी दी गई है इसमें, देखते हैं इसका बैकअप कितना देर रहता है। तो हमें इस बॉक्स में यही 1 2 3 4 चीज़ मिली है, एक चार्जर, डाटा केबल, एक बैटरी और एक राउटर। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसे ऑन करके देखेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या सेटिंग्स है, कैसे इसे यूज किया जाता है, कैसा इसका स्पीड है, सब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।